लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इसके पहले आपको ऐसा कभी हुआ था? जी नहीं। ये पहली बार हुआ है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कुछ वीकनेस ज्यादा हो गई हो। आप आइए मेरे साथ बाहर। चल जान बताता हूँ। आपके मिसेज का कोई मेजर प्रॉब्लम है? क्या? ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। बीमारी क्या है ये पता लगाने के लिए आपको कुछ जरूरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, बताइए कौन सा टेस्ट। ये एक टेस्ट है, इसे जरूर करा लीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिए। कौन सी बात? जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप दोनों मियाँ बीवी के बीच कोई रिश्ता बनना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई, मान गए आपको कबाल की एक्टिंग करते हैं आप। आपको तो डॉक्टर नहीं बल्कि एक्टर होना चाहिए था। सदाकत साहब, दोस्ती की वजह से सब करना पड़ता है। पहले तो मैं घबरा गया था, पर बाद में बड़ी होशियारी से ये ड्रामा करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ। जीजी का रास्ता थोड़े दिनों तक वैसे ही साफ है। बीमारी की वजह से वैसे ही उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर साहब, बीमारी के ड्रामे को और लंबा खींचना होगा। दूबी को कुछ मोहलत मिल जाए अपना मकसद पूरा करने के लिए। जनाब, वो आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। ओहो, आप बेफिक्र रहिए। हम सिर्फ लेने में यकीन नहीं रखते, हम लेना और देना दोनों जानते हैं। भाई, आपने दोस्ती निभाई है, शुक्रिया। बस इंतजार कीजिए, वक्त आने पर हम भी आपको दोस्त होने का यकीन दिला देंगे। खुदा। सुहेल साहब, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस ठीक हूँ। मेरा तो बस यही काम रह गया है, दिन भर जो भी आए उनसे यही कहना ठीक हूँ ठीक हूँ। नहीं अभी, वो लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए यूं ही पूछते रहते हैं, लेकिन मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूँ। आर यू श्योर कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि डॉक्टर साहब तुम्हें डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? पता नहीं, जब भी पूछती हूँ एक दो दिन कहकर मुझे घर जाने से रोक देता है। लो, डॉक्टर साहब यही आ गए। आप ही पूछिए इनसे, मेरी बात तो ये सुनते नहीं है। मैं तो इनकी पेशेंट हूँ। डॉक्टर साहब, आप अमीर को कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? बस यही एक दो दिनों में। मैंने कहा था ना, इनसे जब ये पूछे बस एक दो दिन कहकर बात को टाल जाते हैं। डॉक्टर साहब,
आप अबीर को प्लीज जल्दी छोड़ दीजिए। सारी इंजुरीज हील हो चुकी है, कल जहां चोट लगी है उसे फिर एक बार चेकअप कर लूं, फिर डिस्चार्ज कर दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अबीर का इंतजार बहुत लोगों को है। ज़ुबैदा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं? हाँ, तुम? मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं तब से देख रहा हूँ तुम चीजें यहाँ से वहाँ कर रही हो। अरे नहीं नहीं, चीजें यहाँ से वहाँ नहीं रख रही, मैं तो चीजें जगह पे रख रही थी। क्या बात है ज़ुबैदा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। पता नहीं था, जब से मैं चकरा के गिर गई हूँ तब से मेरे दिमाग में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। ज़ुबैदा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। और सुनो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्योंकि जितना तुम सोचोगी तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। सेहत का ख्याल तो अब तुम्हें रखना होगा ताहा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ अम्मी, लेकिन अम्मी मैं अब इस हॉस्पिटल से उठ चुकी हूँ। क्या करें, डॉक्टर की इजाजत के बगैर तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये फ्रेश फ्रूट लेकर आई हूँ, इसे खा लो। हाँ नहीं अम्मी, अभी नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। नाश्ता किसने करवाया? वो सुहेल साहब और प्यारे आए थे, प्यारे मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाया था। चलो अच्छा हुआ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे हमारे लिए खुशखबरी है, ता ने शादी कर ली है।
शादी कर ली, मगर किससे? उसी जुबी से। तहा तो उसे शादी के लिए ना कह चुका था, फिर तुम खुश नहीं हो ये सुनकर? अम्मी, जुबी अच्छी लड़की नहीं है। उसने हारिस को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी ताकि वो हारिस से शादी कर सके। उसकी नियत ठीक नहीं है। जुबी जैसी भी हो, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अम्मी, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो कुछ भी करेगी तो परेशान तो हमें भी होना पड़ेगा। वो जो भी करे, ताह तो हमारी मुट्ठी में है। ताह अगर हमारे खिलाफ गया तो भी क्या, लेकिन ताह कभी हमारे खिलाफ जाएगा ही नहीं। अगर वो इस घर की चाबी है तो वो मेरी मुट्ठी में है। अभीर, वो जैसे भी हो ठीक है, निगार को रास्ते में लाने के लिए ऐसी ही बहू की जरूरत है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और घर आ जाओ। हाँ। अब जाकर मेरे दिल को सुकून आया है। ताहा के घर वालों को तो ये पता ही नहीं कि जूबी की शक्ल में उनके घर सैलाब आया है। अरे बच्चा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हु? कि दुश्मन खुद अपने घर में दावत दे हमें दुश्मनी करने के लिए, हु? उस डॉक्टर का नुस्खा भी खूब काम आया। उस डॉक्टर ने ऐसी एक्टिंग की बाबा कि ताहा भी सोच में पड़ गया कि वो सच कह रहा है कि झूठ। और जब से डॉक्टर ने कहा है कि मेरा ख्याल रखना है, ताहा तो बस मेरे आगे पीछे घूमता है। बिजनेस बिजनेस कुछ याद नहीं उसे बाबा। अरे बिजनेस याद करके करना भी क्या कमबख्त है, अल्टीमेटली सब कुछ तुम्हारे तो होना है। काम करो, अब निकालो बाहर उनको, कब्जा कर लो वहां पे। आहिस्ता बाबा आहिस्ता, ज्यादा गर्म खाने से अक्सर मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हाँ बच्चा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि निवाला हाथ में रह जाए और कोई खाना छीन के ले जाए। पहले उसके घर वालों को मैं अपनी मुट्ठी में तो कर लूं। अरे भाई, सबसे मुश्किल काम तो उस घर में घुसना था, वो तो तुम घुस गई। मुट्ठी में करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ बाबा, लेकिन वहां पहले किसी एक पर मैं हावी तो हो जाऊं। ताहा पर तो हावी हो ही तुम, और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, और कौन रह गया? एक आदमी है, एक आदमी है बाबा, जो खुद को बहुत चालाक और ज़हीन समझता है। कौन है वो? वही चौधरी हिकमत यार जंग। निगार, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाईजान, मैंने तो उसे बहुत समझाया पर वो मेरी बात नहीं माना। नाक कटवा दी उसने, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। भाईजान, किसी की बात मानना तो दूर, वो तो सुनने तक को तैयार नहीं है। और ये सब उसने नजमा के बहकावे में आकर किया है। ताहा इतना बेवकूफ नहीं कि वो किसी के बहकावे में आ जाए। भाईजान, आपने महसूस किया है कि नजमा के आने के बाद से ताहा कितना बदल गया है? ना तो हमारी बात सुनता है, ना ही हमारी इज्जत करता है। बस नजमा जो कहती है उसे ही पत्थर की लकीर मानकर चलता है। नजमा तो आई इसलिए कि वो हमें बर्बाद कर सके, लेकिन हमें यह पता करना है कि रवेदा किस इरादे से आई है। हेलो, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज ही मेरी पहचान के लिए काफी होगी। अबरार, समझ में नहीं आ रहा कि आपको ताहा की शादी के लिए मुबारकबाद दूं या आने वाली बर्बादी के लिए अफसोस जताऊं। ना ही मुझे तुम्हारे मुबारकबाद की जरूरत है और ना ही तुम्हारे अफसोस की। एक मामूली सी काम करने वाली लड़की जो तुम्हारे ऑफिस में इंप्लॉय थी, उससे तुम्हारे बेटे ताहा ने शादी कर ली और तुम कुछ नहीं कर पाए।
वैसे तो दुनिया पर बहुत रौब दिखाते हो, अपने बेटे ताहा पर तुम्हारा रौब नहीं चला क्या? सच तो ये है कि अच्छा ही हुआ मेरी बेटी ने ताहा से शादी नहीं की, क्योंकि तुम लोग अबरार से रिश्ता रखने के लायक ही नहीं हो। खैर, तुम मजबूर हो गए। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। अबरार चौधरी एक चट्टान का नाम है, अब मुझे बर्बाद करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। चट्टान को जलजले के सामने टूटना पड़ता है, तुम तो इंसान हो। गलतफहमी में जीना अच्छा होता है, कम से कम इस उम्मीद में इंसान जी तो लेता है। तुम भी मेरी बर्बादी देखने की उम्मीद में शायद अपनी जिंदगी के चंद लम्हे और झीलो। चौधरी, मैं तो सांसें उधार लेकर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखूंगा। अबू, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अबू, जब हमें उन लोगों से लेना देना ही नहीं तो उनके बारे में बात करके क्या फायदा? तुम्हें लेना देना नहीं है, मुझे है। लेकिन अबू। नहीं रुकी, मैं कैसे भूल जाऊं कि ताहा की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची है। उस लड़के की वजह से मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। अबू, आप जितना सोचेंगे ये बात आपको उतना परेशान करेगी। और जब आप मेरे साथ हैं अबू, तो मुझे किसी चीज की कैसे कोई तकलीफ हो सकती है? नहीं, तुम कुछ भी कह लो, मैं उन लोगों को माफ करने वाला नहीं हूं। और ताहा की वजह से उनके पूरे खानदान को अबरार का कहर तो झेलना ही पड़ेगा। वो लोग जब तक सही रास्ते पर नहीं आ जाते, मैं चैन की सांस भी नहीं लूंगा। हेलो, पहचाना? रूही,